अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की मंसूरा में तकरीब में शिरकत। सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सेहत इंसानी मसला है, इसे सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। साबिक वजीर आजम की तबीयत ठीक नहीं, हुकूमत इन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करे। नवाज शरीफ साहब को कमा हक कहूँ इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक इंसानी अलमिया है और सेहत और बीमारी को सियासत का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर 30 भारतीय सहाफियों को वीजे जारी किए, भारत ने मुजाकरात के लिए एक भी पाकिस्तानी सहाफी को वीजा नहीं दिया। ओछे हथकंडों से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। 30 सहाफियों के लिए वीजे जारी किए थे, वो आए थे, लेकिन अब दोबारा वो मुजाकरात हो रहे हैं तो उन्हें किसी भी पाकिस्तानी सहाफी को अलाउ नहीं किया। इस बात की अलामत है कि इंडिया खौफजदा है और ये इस बात की अलामत है कि इंडिया की सियासत कोकली हो गई है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन फैसल के हमरा फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़।